जय हिंद। क्या आपको पता है मरने के बाद लाश भारी क्यों हो जाता है? तो चलिए आज हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो क्या है ना कि जब कोई आदमी मरता है तो उसका लाश भारी हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, जब भी जनाजे को ले जाया जाता है या अर्थी को ले जाया जाता है तो कंधा बदल बदल के ले जाया जाता है। तो गांव देहात में इसके पीछे बहुत बड़ा अफवाह रहता है, बहुत सारे अफवाहें रहते हैं। जैसे बोलता है कि भूत बेताल सब आ जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए चलिए जानने का कोशिश करते हैं इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न। तो देखिए क्या होता है ना कि हम लोग का शरीर में ब्लड प्रेशर होता है जो कि 120/80 होता है। तो हम लोग का जो ब्लड प्रेशर है वो अंदर से प्रेशर लगाता है, मतलब धक्का लगाता है, और हमारे चारों तरफ वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल भी प्रेशर लगाता है, जिसको हम लोग वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो क्या होता है ना कि दोनों प्रेशर न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसीलिए वेट का पता नहीं चलता है। लेकिन जब आदमी कोई मरता है तो उसका जो अंदर का प्रेशर रहता है, जो ब्लड प्रेशर रहता है, वो तो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ब्लड तो सर्कुलेशन होता नहीं है, तो अंदर का प्रेशर लगता नहीं, तो इसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगता है, इसीलिए वजन भारी हो जाता है। लगभग इसका तो औसतन 1 किलो से 6 किलो तक हो सकता है। इसका एरिया वाइज डिफरेंट होते रहता है, जहाँ जहाँ वायु का डेंसिटी ज़्यादा रहेगा वहाँ ज़्यादा प्रेशर लग सकता है, और जैसे ऊपर ऊपर हम लोग जैसे ऊपर जाएंगे वैसे डेंसिटी कम होते जाएगा वायु का, तो उस तरह ऊपर जाते ही मतलब दबाव कम लगेगा तो भारी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे नीचे हम लोग जाएंगे तो वैसे दबाव बढ़ते जाएगा तो और भारी होते जाएगा। तो सेम कंडीशन, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग का शरीर का प्रेशर तो रहता है, लेकिन वहाँ वायुमंडल नहीं रहता है, तो उसके वजह से वायुमंडलीय दबाव दबाव नहीं लगता है। तो इसी के वजह से साइंटिस्ट लोग एक स्पेशल प्रकार का सूट पहन के जाता है। तो उस सूट में क्या होता है कि अंदर से जो प्रेशर लगता है उसको मेंटेन रखता है, जिससे कि हमारा शरीर बचा हुआ रहता है, नहीं तो अगर वो सूट पहन के नहीं जाएंगे तो शरीर फट जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।